हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। हमारा आज का टॉपिक है कि आखिर कैसे शराब हमारे लिवर को प्रभावित करती है, या फिर अगर हम कहें तो कैसे अल्कोहल हमारे लिवर को इफ़ेक्ट करता है। हम इसके बारे में पढ़ेंगे और साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि बहुत सारे लोगों के मन में सवाल आता होगा कि यार हम तो बहुत ही कम अल्कोहल का कंजम्पशन करते थे, वो बंदा तो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में शराब पीता था, बट उसका लीवर तो ख़राब नहीं हुआ, लेकिन मेरा कम पीने के बावजूद भी लीवर ख़राब कैसे हो गया। इस सवाल का जवाब भी आपको वीडियो के लास्ट तक तो मिल जाएगा। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि चाहे आप किसी भी क्लास में पढ़ते हो, चाहे आपके सिलेबस में ये टॉपिक हो या ना हो, आप इस वीडियो को लास्ट तक देखना। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का इंटरेस्टिंग टॉपिक कि आखिर जो शराब है वो हमारे लीवर को कैसे प्रभावित करती है। तो देखो, सबसे पहले जानते हैं शराब क्या होता है, व्हाट इज अल्कोहल। लिखा हुआ है अल्कोहल इज प्रोड्यूस्ड बाय स्पेशल टाइप ऑफ फंगाई कॉल्ड यीस्ट। ठीक है, सबको पता है कि जो अल्कोहल होता है वो एक स्पेशल टाइप ऑफ फंगाई से बनता है, स्पेशल टाइप ऑफ फंगस से, जिसे हम क्या कहते हैं, यीस्ट कहते हैं। द फंगस डिग्रेड कार्बोहाइड्रेट बाय द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन एंड प्रोड्यूस अल्कोहल। कि जो ये फंगस होता है वो कार्बोहाइड्रेट को डिग्रेड करता है बाय प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन और अल्कोहल का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, अब देखो इसके आगे क्या लिखा हुआ है कि 20% ऑफ अल्कोहल एब्जॉर्ब्ड इन स्टमक। कि जब हम अल्कोहल का सेवन करते हैं तो जो 20% अल्कोहल होता है ना, वो तो हमारे स्टमक में ही एब्जॉर्ब हो जाता है। उसके बाद क्या होता है कि स्टिमुलेट गैस्ट्रिक जूसेस एंड गैस्ट्रिक जूसेस अलोंग विद अल्कोहल डैमेज द लाइनिंग ऑफ स्टमक एंड कॉज स्टमक अल्सर। कह रहा है जब हम शराब का सेवन करते हैं तो जो 20% शराब होता है वो हमारे पेट में ही डाइजेस्ट हो जाता है, डाइजेस्ट इन सेंस वहाँ पे वो एब्जॉर्ब हो जाता है। और एब्जॉर्ब होने के बाद क्या होता है कि जो स्टमक की जो गैस्ट्रिक जूसेस होते हैं ना, वो उसे स्टिमुलेट करता है, और स्टिमुलेट करने के बाद जो गैस्ट्रिक जूसेस होते हैं और जो अल्कोहल होता है, ये दोनों मिलकर स्टमक की लाइनिंग को क्या करते हैं, डैमेज करते हैं, और जिसके कारण से स्टमक अल्सर भी हो सकता है। और उसके आगे पढ़ते देखो, स्टमक अल्सर बहुत ऐसी नहीं, छोटी बीमारी नहीं है। जो अल्सर होता है ना, वो कैंसर में कन्वर्ट हो जाता है अगर सही टाइम पे हम उसका पता नहीं लगा पाते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा जो शराब होती है वो हमारे सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होती है, इसका कभी भी सेवन नहीं करना चाहिए। ठीक है, आगे लिखा हुआ है कि कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस बाय द ब्रेकडाउन ऑफ अल्कोहल इन लीवर। ठीक है, देखो सबसे पहले तो देखो 20% तो एब्जॉर्ब हो गया कहाँ पर, स्टमक में। अब बचा कितना, 80%। 80% कहाँ पे गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन से वो क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा ब्लड में, और फिर उसके बाद से वो कहाँ पे जाएगा, हमारे लीवर के पास जाएगा। तो मेनली वो आ कहाँ पे रहा है, लीवर के पास आ रहा है ना। और जो लीवर होता है, मैंने आपको पहले बताया है कि लीवर कितना इंपॉर्टेंट ऑर्गन है हमारी बॉडी का, वो बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है, मोर देन 500 फंक्शंस परफॉर्म करता है लीवर। अगर लीवर को कुछ भी हुआ तो उसका जो असर है वो आपको साफ दिखाई देगा, क्योंकि 500 फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है। अगर 10 फंक्शन अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएगा लीवर, तो उसका प्रभाव तो हमको हमारे शरीर पे दिखाई देगा ना। तो इसलिए हमको लीवर को बहुत बचाना होता है। जैसे मान लो किडनी डैमेज होती है, तो एक किडनी डैमेज हुई, एक से काम चल जाएगा, बट लीवर तो हमारे पास दो नहीं है ना, एक ही है, इसलिए हमें उसका बहुत ही खास ख्याल रखना चाहिए। और हम बार बार फोकस लीवर पे ही क्यों करते हैं, जैसे अगर कोई शराब पी रहा है तो सिर्फ उसका लीवर ख़राब नहीं होता, उसका हार्ट, उसका ब्रेन, उसका किडनी, सब कुछ उसका ख़राब हो जाता है, बट मेनली हम लीवर की बात इसलिए करते हैं क्योंकि लीवर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन है ना, क्योंकि वो 500 से ज़्यादा फंक्शन परफॉर्म करता है, हमको उसको इसलिए बचा कर रखना पड़ता है। तो देखो उसके बारे में लिखा है, उसके आगे लिखा हुआ है कि कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस्ड बाय द ब्रेकडाउन ऑफ अल्कोहल इन लीवर। कि 20% तो एब्जॉर्ब हो गए कहाँ पर, स्टमक में, जो बाकी बचा इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होते होते कहाँ पे आया, लीवर में। अब लीवर में आने के बाद क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड नाम की एक गैस प्रोड्यूस होती है, और ये गैस क्या करती है, हमारे लीवर को डैमेज करती है। लिखा हुआ है दिस गैस डैमेज आवर लीवर। कौन सी गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस हमारे जो हमारा लीवर है उसे डैमेज करती है। एज अ रिजल्ट ऑक्सीजन इज डिप्लेटेड, जिसके कारण से जो ऑक्सीजन है उसकी कमी हो जाती है लीवर में, इन आवर लीवर रिजल्टिंग हाइपोक्सिक हेपेटाइटिस, और हाइपोक्सिक हेपेटाइटिस नाम की बीमारी हो जाती है।
ठीक है, तो इसलिए शराब का सेवन हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। मैं आपको ये भी बताऊंगी कि कितनी मात्रा में पीने से जो लीवर है उसे हम बचा सकते हैं। जैसे वैसे तो शराब नहीं पीना चाहिए, बट एक सेफ लिमिट होता है ना, आपने सुना होगा डॉक्टर जो होते हैं, जो हमारे सोल्जर्स होते हैं, आर्मी वाले होते हैं, वो कुछ मात्रा में शराब का सेवन करते हैं। तो कितनी मात्रा में करें कि वो हमारे लिए हार्मफुल ना हो, मैं आपको वो भी बताऊंगी। तो चलो आगे लिखा हुआ है कि एन एंजाइम्स, देखो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इस पर स्टार मार्क कर लो, ठीक है। लिखा हुआ है कि एन एंजाइम्स एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस इज प्रेजेंट इन आवर लीवर, कि हमारे लीवर में एक एंजाइम प्रोड्यूस होता है जिसका नाम क्या होता है, एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस। ये हमारे लीवर में प्रेजेंट होता है, जो कि क्या करता है, विच कन्वर्ट एल्कोहल, जो कि एल्कोहल को या तो कन्वर्ट कह लो या तो एल्कोहल का ब्रेक डाउन कह लो। लिखा हुआ है विच कन्वर्ट एल्कोहल और ब्रेक डाउन ऑफ एल्कोहल इन एसिटल्डिहाइड, ठीक है। वो क्या करता है, एसिटल्डिहाइड में एल्कोहल को कन्वर्ट करता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा एसिडिक इन नेचर होता है। अब ये अगर इतना ज़्यादा एसिडिक इन नेचर है तो वो हमारे लीवर को हार्म तो करेगा। देखो फिर से मैं पढ़ देती हूँ एक बार कि एक एंजाइम होता है जिसका नाम क्या है, एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस, जो कि हमारे लीवर में प्रेजेंट होता है। वो क्या करता है, वो एल्कोहल का ब्रेक डाउन करता है, किस में, एसिटल्डिहाइड में, जो कि बहुत ही ज़्यादा एसिडिक इन नेचर होता है, एंड दस हार्म आर लीवर, और इसी वजह से वो क्या करता है, हमारे लीवर को हार्म करता है, नुकसान पहुंचाता है। फिर लिखा हुआ है अल्कोहल स्टिमुलेट द प्लेजर सेंटर ऑफ अ ब्रेन, जो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट होता है शराब पीने का, कि क्या होता है, वो हमारे ब्रेन को भी स्टिमुलेट करता है। इसलिए जो इंसान और उसके बाद होता क्या है, ब्रेन को स्टिमुलेट करने के बाद डोपामिन नाम का हार्मोन रिलीज होता है। डोपामिन कौन सा हार्मोन है, इसे मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, बट एक हैप्पी हार्मोन होता है, इसको रिलीज होने से ना खुशी सी मिलती है। या सपोज दैट कि मैं अगर आपको बोलूं कि आप पढ़ो, तो सोचोगे कितना बोरिंग चीज़ है पढ़ना, बट मैं आपको कहूं कि अगर आप पढ़ोगे तो मैं आपको ये चीज़ दूंगी, कुछ भी गिफ्ट, कुछ भी एक्स वाई जेड, आप सपोज कर लो कि अगर आप पढ़ते हो तो मैं आपको आपकी ये फेवरेट चीज़ देती हूं, तो आपका जो ब्रेन होता है ना वो डोपामिन रिलीज करता है, अच्छा मुझे ये चीज़ मिलेगी, तो वो खुशी खुशी पढ़ने लगता है और आपको अच्छे से याद होने लगता है। तो एक हार्मोन होता है, खुशी वाला हार्मोन होता है। तो जब इंसान शराब का सेवन करता है तो उससे क्या होता है, जो हमारा ब्रेन होता है वो स्टिमुलेट होकर डोपामिन नाम का एक हार्मोन रिलीज करता है, जिससे इंसान बिल्कुल अपनी स्ट्रेस भूल जाता है, उसको सब कुछ अच्छा चल रहता है, सब कुछ धरती ऊपर आकाश नीचे कुछ ऐसी वाली इसको फीलिंग आती है। बट ये थोड़े टाइम के लिए होता है कि आपको बहुत अच्छा अच्छा लग रहा है, लेकिन उसको पीने के बाद जो आपके अंदर हो रहा है, जो आपके लीवर को बाद में इफेक्ट करेगा, जो आपके ब्रेन को इफेक्ट करेगा, हार्ट को इफेक्ट करेगा, आपकी फैमिलीज को इफेक्ट करेगा, वो कितना बुरा होता है। तो थोड़े टाइम की खुशी के लिए इतनी सारी चीज़ों को हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं। फिर आगे लिखा हुआ है देखो कि हाउ मच कंज्यूम, ठीक है, कि कितना पीना चाहिए कि जो कि हमारे लिए हार्मफुल ना हो। तो देखो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ, 1 यूनिट जो अल्कोहल होता है वो हम पर आर कंज्यूम कर सकते हैं। पर आर मतलब एक घंटे में जो हमारी बॉडी है, जो हमारा लीवर है, वो 1 यूनिट ऑफ अल्कोहल को मेटाबोलाइज कर सकता है। उससे ज़्यादा अगर हम करते हैं तो वो हमारे लिए हार्मफुल हो जाता है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि ये 1 यूनिट कितना होता है, तो 1 यूनिट का मतलब यानी कि 10 ml ऑफ प्योर अल्कोहल, कि अगर 10 ml आप प्योर अल्कोहल लेते हो तो वो क्या होता है, 1 यूनिट होता है। और आप 10 ml ऑफ प्योर अल्कोहल यानी कि 1 यूनिट एक घंटे में कंज्यूम कर सकते हो। अगर इससे ज़्यादा कंज्यूम करते हो तो आपकी बॉडी के लिए, आपके लिवर के लिए, सारे ऑर्गन्स के लिए वो हार्मफुल होता है, अदरवाइज़ ये आपको इतना नुकसान नहीं पहुँचाएगा, ठीक है। तो देखो लिखा हुआ है 1 यूनिट किसके बराबर होता है, 10 ml ऑफ प्योर अल्कोहल, 175 ml ऑफ वाइन और 250 ml ऑफ बियर। ये भी सब तो शराब की कैटेगरी में ही आते हैं। तो 10 ml प्योर अल्कोहल का, 175 ml वाइन का और 250 ml बियर का, ठीक है। फिर आगे लिखा हुआ है कि 12 टू 14 यूनिट्स इन अ वीक, कि एक हफ्ते में 12 से 14 यूनिट्स अल्कोहल का कंजम्पशन हम कर सकते हैं, जो कि अगर इतना कंज्यूम करते हैं तो वो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल नहीं होगा। लेकिन अभी आप सोचो कि अच्छा मैम ने बोला था 12 से 14 यूनिट्स कंज्यूम कर सकते हैं, तो एक ही दिन बैठ के 12 से 14 यूनिट्स ले लो, तो ये क्या होता है, हार्मफुल हो जाएगा ना। क्योंकि अभी क्या बताया कि एक घंटे में सिर्फ बॉडी कितना मेटाबोलाइज कर पाएगी, उसको लीवर कितना कर पाएगा, सिर्फ 1 यूनिट, 1 आवर में 1 यूनिट। तो 12 से 14 यूनिट आप एक बारी में नहीं पी सकते हो, एक हफ्ते का इसमें टाइम बता रहा है आपको, और वो भी मेल का, ये फीमेल का नहीं है, फीमेल का और भी कम होता है, आप मान सकते हो 8 से 10 यूनिट, ठीक है।
चलो आगे लिखा हुआ है 2 to 5 units per day, ठीक है, एक दिन में 2 से 5 यूनिट का कंजम्पशन कर सकते हैं, 1 unit per hour एक घंटे में, 1 unit, टाइम इंटरवल ऑफ 2 to 3 days, जैसे मान लो कि आपने आज कंजम्पशन करा अल्कोहल का, तो आपको उसके बीच में 2 से 3 दिन का गैप देना चाहिए, क्योंकि हमारी बॉडी को रिकवरी के लिए जो गैस्ट्रिक जूसेस वगैरह प्रोड्यूस हो जाते हैं, जो कैसेटिक इन नेचर होते हैं, तो उनसे हमारी बॉडी को प्रिवेंट करने के लिए, वापस से उसको सही होने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है, इसलिए थोड़ा सा उनके बीच में गैप देना चाहिए, 1 घंटे में 1 यूनिट पीना चाहिए, और अगर आप डेली कंजम्पशन कर रहे हो तो उसको बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए, हर बीच में 2 to 3 days का आपको टाइम गैप देना चाहिए। फिर आगे लिखा हुआ है कि टाइम इंटरवल ऑफ 2 to 3 days बता दो दिया कि 2 से 3 दिन का हमें बीच में गैप रखना चाहिए। तो अब हम आते हैं हमारे जो एक क्वेश्चन मैं आपको शुरू में बताया था कि आखिर मेरा लीवर ही क्यों खराब हुआ, वो बंदा भी मेरे साथ पी रहा था बट उसे तो कुछ भी ऐसा असर नहीं हुआ, तो उसका आंसर ये है कि जो मैंने आपको 1 यूनिट बताया ना, बिल्कुल ऐसा फिक्स नहीं है कि मैं भी 1 यूनिट पीऊँगी तो मुझे कुछ नहीं होगा, बट ऐसा हो सकता है कि आप 1 यूनिट पीते हो, इवन 1 यूनिट से भी कम पीते हो तो भी आपका लीवर डैमेज हो जाए, ऐसा इसलिए क्योंकि वो बॉडी टाइप पर भी डिपेंड करता है कि हाइट कितनी है, वेट कितनी है, फैट कितना है, और क्या कहते हैं एज कितनी है, आपको कौन कौन सी, अगर किसी को डायबिटीज़ है तो उसके लिए एक बूंद जहर के क्या कहते हैं जहर से जहर के जैसा हो जाएगा, तो वो बॉडी टाइप वगैरह पे भी वो करती है, डिपेंड करती है कि हमें कभी भी दूसरों को देखकर कि ये बंदा 10 साल से पी रहा है कुछ भी नहीं हुआ तो मैं भी थोड़ा सा पी लेता हूँ या फिर पी लेती हूँ तो मुझे भी कुछ नहीं होगा, ऐसा सोचे कभी भी अल्कोहल का कंजम्पशन नहीं करना चाहिए, वो हर बॉडी टाइप्स पे वेरी करता रहता है। तो मैं आपसे उम्मीद करूँगी गाइज आपको आज का टॉपिक बहुत अच्छे समझ में आया होगा, और साथ ही साथ मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आप या फिर आपकी फैमिली में कोई भी अगर कंजम्पशन करता है तो उसे प्लीज रोके और मेरी वीडियो उसको जरूर दिखाएं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइज, आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो वेरी मच। ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसे एक लाइक जरूर करें। दैट्स ऑल, बाय गाइज।